हाय गाइस, MI 11T प्रो वर्सेस पोको F5G। एक्चुअली है ना, ये जब लॉन्च हुआ था ना, तो दोनों में ना ऑलमोस्ट 12,000 का डिफरेंस था। MI 11T प्रो ऑलमोस्ट 40,000 का स्टार्ट होता था एंड पोको F4 27,000 कुछ लॉन्च हुआ है। बट अभी सेल के टाइम पे पोको F4 ऑलमोस्ट आपको है ना, सब डिस्काउंट के बाद क्रेडिट कार्ड सब होगा आपके पास, ऑलमोस्ट 20,000 का मिल जाता है। एंड MI 11T प्रो आपको 27-28 का मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट 6-7,000 का गैप है। तो मैं आपको रिव्यू इसमें बात दोनों भी मैं यूज़ कर चुका हूँ, लॉन्ग लॉन्ग टाइम में यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं दोनों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आपके पास जो कन्फ्यूजन होगा ना कौन सा लेना चाहिए वो क्लियर हो जाए। तो मैं पहले एक समराइज आपको बताना चाहूँगा। MI 11T अगर आपके पास बजट है ना 26-27,000, मैं कहूँगा कि आप MI 11T प्रो पर जा सकते हो, प्रीमियम डिवाइस फ्रॉम शाओमी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट ए रिव्यू विद डिजाइन से स्टार्ट करते, सब कुछ स्लोली स्लोली आगे बढ़ते। डिजाइन बहुत सब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे है ना पोको F4 का थोड़ा डिफरेंट डिजाइन है। एक्चुअली जानते हो फ्लैट बैक फ्लैट है और साइड फ्रेम भी फ्लैट है, बट ये प्लास्टिक फ्रेम है, सेम है। तो फ्रंट में ना थोड़ा सा बॉक्सी टाइप डिजाइन लगता है, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। तो अगर आप पहले हमेशा जो भी दूसरे डिवाइस यूज कर चुके हो ना, कर्व हुई बैक कर्व वाला यूज कर चुके होगे, तो इसमें आओगे ना तो एक अलग डिफरेंस फील होने वाला है, जो कि एक बॉक्सी टाइप फील होने वाला है, जो एक डिफरेंट फील होता है। यहाँ पे MI 11T प्रोपोर्शनली मेरा फेवरेट डिजाइन है। तो यहाँ पे क्या है ना, एक्चुअली एक थोड़ा सा ज्यादा ही ओवर प्रीमियम लगता है व्हाइट कलर होने की वजह से, है ना। एक बहुत ही क्लासिक लुकिंग डिवाइस है, बहुत ही मस्त लगता है हाथ में एंड कम्फर्ट। जब हाथ में पकड़ते हो ना, बैक कर्व होने की वजह से है ना, बहुत ज्यादा ग्रिप मिलता है। एक बार हाथ में पकड़ोगे ना तो थोड़ा सा हैंड पेन होने लगता है फ्लैट डिस्प्ले वाला, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बट केस डालोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो मैं डायरेक्टली मैंने सोचा कि चलो परफॉर्मेंस की ओर आते हैं, थोड़ा सा परफॉर्मेंस में ही थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने की चीज़ है। तो इसमें न्यू जनरेशन का स्नैपड्रैगन 888 मिलता है, आप सब लोग जानते हैं, एंड इसमें स्नैपड्रैगन 870 मिलता है, जो कि पिछला जनरेशन वाला है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डाउटफुल होंगे, तो लेट मी क्लियर विद इट। एक्चुअली स्नैपड्रैगन 888 एक जनरेशन आगे का चिपसेट है, बट गाइस इसमें थर्मल थ्रॉटलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, हीटिंग इश्यूज का प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब भी मैं फोन यूज़ करता हूँ ना, तो नॉर्मल यूसेज में थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म होता है MI 11T प्रो। यहाँ पे पोको F4 गर्म ही नहीं होता बिल्कुल, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ठंडा रहता है। एंड गेमिंग करते वक्त आप सब लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा आपको ये 60 FPS तक बहुत स्टेबल आपको गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाला है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 हीट होने के बाद, थर्मल थ्रॉटिंग होने के बाद परफॉर्मेंस को डिग्रेड करने वाला है। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा, अगर आप हैवी गेमर हो, बहुत अच्छा गेमिंग करते हो ना, तो इस पर जा सकते हो, बहुत ही स्टेबल परफॉर्मेंस देने वाला है। यहाँ पे MI 11T प्रो कैजुअल गेमर हो तो जा सकते हो। हीटिंग इशू उतना भी ज्यादा नहीं कि आप इशू करें, बट जब विदाउट फैन थोड़ा सा टेम्परेचर है ना, रूम टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये हीट करता है, यहाँ पे ये हीट बिल्कुल भी नहीं करता, लेट मी टेल यू। तो गाइस, सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली है ना, मैं पोको F4 का बहुत बड़ा एक सेलिंग पॉइंट है ना, कस्टम रोम सपोर्ट बहुत ज्यादा है। जैसे कि इसमें मैं है ना एक्चुअली MIUI नहीं यूज कर रहा हूँ, पिक्सल एक्सपीरियंस का रोम यूज कर रहा हूँ। पिक्सल बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस है, MIUI के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा ही फास्ट, स्मूथ और बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। वहाँ पे इसके ये पे जो MI 11X है ना, MI 11T प्रो में है ना MIUI, क्योंकि ज़्यादा कस्टम रोम सपोर्ट नहीं है, तो थोड़ा सा कंपैरिजन में है ना, थोड़ा सा वो ऐप ओपन ऐप क्लोजिंग टाइम थोड़ा सा वो एक लैगी फील होता है। शाओमी के थोड़ा सा एनिमेशन थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा ज़्यादा लेट होता है ऐप ओपन करते वक्त, तो ये देखने को मिलता है आप लोगों को। तो कस्टम रोम सपोर्ट ज़्यादा अच्छी है तो पोको F4 पे जा सकते हो, क्योंकि भर भर के डेली कस्टम रोम इसमें मिल रहे हैं Android 13 के। यहाँ पे Android 12 पे चल रहा है भाई, MIUI Android 13 कब आएगा कुछ भी कोई गारंटी नहीं दे सकते हम लोग, तो ये चीज़ सोचने की बात है। डिस्प्ले दोनों में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है गाइस, Full HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 1080p का। तो यहाँ पे है ना एक्चुअली डिफरेंसेस में आपको लेट मी टेल, इसमें आपको 10 bit का डिस्प्ले मिलता है, तो बहुत सारे कलर गैमेट आपको इसमें सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको 8 bit का मिलता है, बट दोनों में भी डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, तो नेटफ्लिक्स में आप मूवीज वीडियोज देखना चाहोगे ना, तो दोनों में भी अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और वीडियो क्वालिटी बहुत इंप्रूव रहेगा। बट गाइस, पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करो ना, पता नहीं मैं आपको ये क्यों हो रहा है मैं बता नहीं सकता, बट है ना MI 11T प्रो का डिस्प्ले थोड़ा सा ज़्यादा ही बेटर होता है मुझे, थोड़ा कलर के मामले में एकदम से शार्प है डिस्प्ले, थोड़ा सा पता नहीं हो कॉन्ट्रास्ट, जब आप लो ब्राइटनेस भी करोगे ना थोड़ा सा डिस्प्ले बहुत ही अच्छा शार्प फील होता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा लो ब्राइटनेस में थोड़ा सा उतना शार्प नहीं फील होता, तो इसमें पता चल जाता है कि थोड़ा सा क्वालिटी डिफरेंस है इसमें एमोलेड डिस्प्ले में। थोड़ा सा आपको अगर साइड बाय साइड रख के यूज करोगे तो डिफरेंस देखते वक्त नहीं, बस यूज करते हुए थोड़ा सा डिफरेंस लगता है। तो अगर आपको उतना कुछ इशू होने की बात नहीं, मैं आपको नेटपिक कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बट थोड़ा सा मुझे डिस्प्ले के कंपेरिजन में ना देखते वक्त पंचीनेस के
इसमें ना ये थोड़ा सा बेटर लगा एम एलेवेंटी प्रो का, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है लेते समय, वरना दोनों डिस्प्ले पैच है। एंड स्पीकर्स की बात करना चाहूँगा मैं, स्पीकर क्वालिटी हैंड्स डाउन एम एलेवेंटी प्रो का बहुत ज़्यादा बेटर है। इसमें हार्मन कार्डन ट्यून्ड है, बट इसीलिए नहीं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही क्रिस्प है, लाउड है, एंड जो क्लैरिटी रिचनेस है ना बहुत अमेजिंग है। एंड पोको एफ4 के डुअल स्टीरियो स्पीकर से बिल्कुल ही बेसिक स्पीकर से बहुत ज़्यादा कोई आपको रिच साउंड नहीं मिलेंगे, लाउड होते हैं बट मुझे पर्सनली उतना लाउड नहीं लगे। नेक्स्ट वी कैन कम स्ट्रेट इनटू कैमरा, तो कैमरा में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है, लेट मी टेल यू। इसमें आपको OIS देखने को मिलता है पोको एफ4 में, जो कि अच्छी चीज़ है, वीडियो के वक्त स्टेबलाइजेशन अच्छी रहती है। यहाँ पे OIS देखने को नहीं मिलता, बट गाइस जो कैमरा सेंसर है ना 64 एंड 108, ये भी कोई फर्क नहीं है, मेगा पिक्सल पे मत जाइए। बट गाइस जो सेंसर्स है ना, इसमें आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिलता है 108 मेगा पिक्सल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर वीडियो फोटोज यूज करते हो, वीडियोज करते हो, बहुत अमेजिंग। यहाँ पे आपको ओमनीविजन का सेंसर मिलता है, बहुत ही ज़्यादा सोनी सैमसंग कंपेरिजन बहुत नीचे, बट जब प्रैक्टिकली की बात करते हो ना, जब फोटोज करते हो, वीडियोस करते हो ना, पता नहीं कि येलो इसका टोन रहता है, एंड ह्यूमन फेस का भी उतना अच्छा नहीं आता, तो कैमरा के मामले में बहुत पीछे है। एंड जब आपको अच्छे कैमरा वाला फोन चाहिए, हैंड्स डाउन आप इस पे जा सकते हो। अभी मैं आपको सैंपल नहीं दिखा रहा क्योंकि ना इसका, क्योंकि मैं इसमें कस्टम रोम यूज कर रहा हूं, इसकी वजह से ना जो MIUI का कैमरा देखना नहीं मिलता इसमें, इसकी वजह से ना मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। बट मैंने बहुत सारे फोटोज काटे, वीडियोज काटे, एंड मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कैमरा के लिए फोन चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए आप ज्यादा ह्यूमन फोटोज काटते हो, वीडियोस काटते हो, इस पे जाइए, हैंड्स डाउन आप आग बंद कर जा सकते हो। डिफरेंस बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत नहीं, इसका कैमरा बिल्कुल भी उतना मुझे इंप्रेस नहीं करा। फ्रंट कैमरा भी सेम है गाइस, फ्रंट कैमरा भी मैं आपको बता दूं इसका बहुत ज्यादा बेटर है MI 11T Pro का पोको F4 कंपैरिजन। पोको F4 का कैमरा के लिए फोन चाहते हो तो पोको F4 पे जाना सही नहीं रहेगा। बट गाइस इसमें कस्टम ये Gcam का सपोर्ट दोनों में मिलता है, तो Gcam से पोको F4 कैमरा इंप्रूव हो सकता है। बट गाइस मैं कहूंगा कैमरा के लिए MI 11T Pro पे ही जाइए। बैटरी बैकअप, इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है MI 11T Pro में, एंड पोको F4 में आपको 4500 mAh का बैटरी मिलता है। बट गाइस लेट मी टेल यू, जो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज है ना ये थोड़ा सा एफिशिएंट चिपसेट नहीं है, स्नैपड्रैगन 888, इसके वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही बैटरी ड्रेन होता है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 870 स्टेबल होने की वजह से बैटरी उतना ड्रेन नहीं करता, एफिशिएंट है, तो इसके तो हम कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल बहुत सिमिलर बैटरी बैकअप है। बट फास्ट चार्जिंग आपको 120 वाट का इसमें देखने को मिलता है, इसमें 65 mAh का मिलता है। बट गाइस ये मत समझ लेना कि 120 वाट का चार्जिंग सीधा डबल स्पीड पे चार्ज करता है, ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट 10-20% ज्यादा ही फास्ट चार्ज करेगा, उतना ही 30% पकड़ के चल सकते हो आप, क्योंकि है ना जब हीट होता है डिवाइस तो ऑटोमेटिकली चार्जिंग स्लो हो जाता है, कंप्लीट हमेशा से 120 वाट पे चार्ज नहीं होता। यहाँ पे 65 वाट स्टेबल है, तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, 5 से 7 मिनट का डिफरेंस होगा उतना ही, तो इसमें कोई भी आपको ये होना नहीं चाहिए बैटरी और इसके कंपेरिजन में, तो ओवरऑल दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलर कह सकता हूँ मैं। तो गाइस मैं फाइनली है ना इसको समराइज करूँ तो ना, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया यार, मेरे माइंड से चला गया। पोको F4 है ना 6 एंड 128 GB के साथ स्टार्ट होता है, जो प्राइस मैंने बताया ना 20,000, वो 6 एंड 128 है। यहाँ पे 27,000 जो प्राइस है ना एक्सचेंज के बाद सब, ये आपको 8 128 मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि ऑलराउंड है ना, मुझे MI 11T Pro बहुत ज़्यादा ही पसंद आया पोको F4 के कंपेरिजन। मेरा पोको F4 का लेने के एक ही रीज़न है, वो कस्टम रोम सपोर्ट एंड जो ये चिपसेट है ना स्नैपड्रैगन 870 बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इसके वजह से लेने का कारण है। वरना सब कुछ में है ना, जब डिज़ाइन की बात करते हैं, डिस्प्ले थोड़ा सा बेटर लगा, ओवरऑल एक प्रीमियम एक्सपीरियंस मिल जाता है, 8 128 GB, एंड कैमरा बहुत अमेजिंग है इसके, तो और ऑलराउंडर है ना, अगर आपके पास बजट होगा ना, तो थोड़ा सा प्रीमियम एक्सपीरियंस वाला फोन चाहिए 27,000 में, मैं कहूँगा दिस इज द ग्रेट वन ऑफ द ग्रेट डील आउट देयर। आप 26, 20, कुछ लोगों को 24 में भी मिल जाता है, तो ये डिपेंड्स है एक्सचेंज आपका कार्ड कौन सा है। तो MI.com में भी ऑफर है, Amazon में भी ऑफर है, MI.com में भी चेक कीजिएगा, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलते हैं, तो मेरा कहूँगा ऑलराउंडर। एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट मिलता है फ्रंट पे, यहाँ पे आपको नॉर्मल गोरिल्ला ग्लास 5 का मिलता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा कम होंगे आप लोग की। अगर आपके पास बजट है तो 25-26,000 खर्च करने के लिए होंगे, तो MI 11T Pro पे जाइए, क्योंकि 8 128 GB स्टार्ट होता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको 6 128 GB मिलेगा 20,000, अगर आपके पास बजट बहुत टाइट है, आप बिल्कुल भी बढ़ा नहीं सकते, कोई भी चांस नहीं, तो इस पे जा सकते हो। जो जिस प्राइस रेंज में दोनों ही मिल रहा है, जो प्राइस रेंज में ये मिल रहा है वन ऑफ द ग्रेट डील है, एंड ये प्राइस में जो मिल रहा है ना वन ऑफ द ग्रेट डील है, दोनों भी बहुत अच्छे डील है। दूसरे जो भी ब्रांड के कंपेरिजन में बहुत अच्छे स्पेक्स एंड फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर MIUI का प्रॉब्लम है, पॉलिश नहीं है सॉफ्टवेयर, वरना सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट है। तो दैट्स ऑल गाइस।